कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे से हैं। नमस्कार, नमस्ते, हेलो, हाय और वेलकम बैक टू दी चैनल। तो मैं हूँ मीरा और आज है 24 दिसंबर 2020। जो मैंने मेरे पहले वाला ब्लॉग देख चुके हो तो उन लोगों को पता है मैं ससुराल में हूँ, मीन्स आई हूँ इधर महाराष्ट्र। तो जो लोग नए जुड़े हो मेरे चैनल में, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक टू डेली ब्लॉग्स, डेली अपडेट्स ऑफ माई लाइफ। सो अभी सुबह से सब कुछ काम हो गया है, बहुत ठंडा था सुबह से, वेदर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, देखिए। और अभी मैं जाऊँगी टिफिन करने के लिए, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चीज़ें हैं। तो फेस में मैंने कुछ नहीं लगाई है इसीलिए। तो और अभी एक क्वेश्चन सभी का मन में हो उठा होगा कि मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ इधर महाराष्ट्र में मेरे मम्मी पापा के साथ। वो लोग मराठी भी बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा हिंदी भी बोलते हैं। सो मैं भी वैसे ही थोड़े थोड़े मराठी बोलती हूँ, थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलती हूँ, उसी में समझ में आ रहा है, मीन्स मैनेज कर रही हूँ। देन मीन्स हाँ, दिल को बोल सकती हूँ, हाँ आई कैन मैनेज, ओके अलोन। तो अभी आज राहुल नहीं आए हैं तो इस बार तो मैं अकेली हूँ इधर। सो मैनेज करना थोड़ा कठिन होता था, बट मुझे लग रहा है नहीं, मैं मैनेज कर सकती हूँ, सभी के साथ बातें कर सकती हूँ, जो भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा बोल रहा है, मैं रिप्लाई दे सकती हूँ। तो लग रहा है हाँ मैं सीख रही हूँ, कुछ इम्प्रूव हो रहा है, मैनेज कर सकती हूँ, आई कैन मैनेज, ओके। तो मैं जा रही हूँ टिफिन कर लेती हूँ। तो टिफिन में क्या है देखते हैं, बाद में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फूल गोभी का सब्जी और गोभी और दाल जो मैंने शेयर करने वाली थी वो है ये एक आयुर्वेदिक फेस पैक है, जो इसका असीम कुछ प्रूफ है इसका नाम है, और फॉर स्मूथ एंड ग्लोइंग स्किन फेस पैक। इसको रोज वाटर से लगा सकते हैं फेस पे, और नहीं तो नॉर्मल सा होता है ना मिल्क, ज़्यादा गर्म नहीं, ज़्यादा ठंडा नहीं, वो वाला मिल्क से घीट के फेस पैक लगाना है। तो मैं ये आज ट्राई करने वाली हूँ। कल इसका प्राइस है ओनली 62 रुपीज़, ओके, ये आयुर्वेदिक का है। सो कल पापा ने लेके गए थे, उनका मेंबरशिप है वो दुकान पे, सो वहाँ पे डिस्काउंट में भी मिलता है चीज़ें वगैरह। सो इसीलिए मैंने एक फेस पैक लेके आई हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ ट्राई करूँगी फेस पे, तो देखते हैं क्या क्या रिजल्ट होता है। इसमें बहुत सारे चीज़ है, जैसे है हल्दी में 3 टाइप का हल्दी, अम्बा दारू समथिंग हल्दी, बाद में दारू बोले तो दारू नहीं है हल्दी का नाम है मम्मी हंस रही है, बाद में मुल्तानी मिट्टी है, बाद में लाल चंदन, गुलाब फूल, जायफल, नीम पत्र, बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं। पढ़ सकते हैं क्या? मैं नहीं पढ़ सकती मूर्ख मूर्ख, इतना बड़ा बड़ा ये नहीं पढ़ सकती हूँ। सो मैं अभी ये ट्राई करूँगी फेस पे, मेरा अच्छा हुआ तो बाद में मैंने मम्मी को लगाऊंगी ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है 7/2020 टिल एक्सपायरी डेट 24 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सो ये मैं अभी ट्राई करने वाली हूँ विथ मिल्क। चलिए देखिए, स्पून से 2 स्पून ली हूँ मिल्क, और ये वाला पैकेट देखिए ऐसा कुछ है दिखने में, तो इसको कट करके हम डालेंगे अभी 1 स्पून। चंदन सा स्मेल है, मैंने बना ली हूँ ये वाला मिक्स, मैंने ज्यादा मिल्क डाल ली हूँ, तो फर्स्ट टाइम है, गलती होता है। तो और 2 स्पून डाली हूँ मैंने वो पाउडर, तो अभी मैं लगाऊंगी फेस पे, थोड़ा पतला पतला है, नीचे गिनने का स्मेल आ रहा है एकदम, पूरा चंदन का मुल्तानी मिट्टी होता है ना, उसका स्मेल। अभी देख लीजिए
मैंने लगा ली हूँ, ज्यादा बात नहीं करूंगी अभी। इतना अच्छा फीलिंग्स हो रहा है, क्या बोलूं, स्मेल से ही लग रहा है हाँ स्किन अच्छा हो जाएगा सही में। देखिए पूरा चंदन का कलर जैसा होता है ना, चंदन और मुल्तानी मिट्टी पूरा ऐसे ही है। सो मुझे तो अच्छा लग रहा है और एक कूलनेस हो रहा है फेस में, इतना कूलनेस हो रहा है, अच्छा लग रहा है। देखते हैं और बात नहीं करूंगी, चलिए मम्मी पापा ना उधर नीचे की तरफ आए, उनके पास जाते हैं। मैंने मम्मी पापा के साथ बैल भी, बैल की तरह ये भी करके आ गई, मैंने फर्स्ट टाइम की मुझे, और ये भी सूख भी गया इस वजह से। छाव में रहना होता था आई थिंक सो, बट पता नहीं मुझे करने का मन किया तो मैं चली गई उधर, पहले धो देती हूँ ठीक है। अच्छा लगा बहुत, हार्ड वर्किंग टुडे फार्मर्स डे ठीक है, आज फार्मर्स डे है और फार्मर्स डे में फार्मर की तरह काम कर ली मैंने। हैप्पी फार्मर्स डे टू ऑल माय फार्मर्स। तो अभी मैं पूछूंगी इसको और आप लोग के सामने आएगा रिजल्ट, फर्स्ट टाइम यूज है ठीक है, एक बार यूज की हूँ इसमें रिजल्ट। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कुछ यूज करने का जरूरत नहीं लग रहा है इसमें इसके बाद। आज फार्मर्स डे है, फार्मर्स डे मीन्स कृषक, कृषक है ना, कृषक तीन चार डे है आज। वहाँ पे चार लोग है ना, छोटी छोटी पप्पी, वे इस भाई है, इनको इनका घर में लेके रखते हैं। बोलो बोलो देखो मेजू कैसे खिला रहा है, मेजू कैसे खिला रहा है, मम्मी और मैं घूम रहे हैं ऐसे। सो जाओ मार मार के मम्मी के साथ, अभी चुड़मुड़ी भी खाया मैंने और अभी जाके मुझे नींद आ रही है 4 बजे। तो थोड़ा लेट गई मैंने, बट मम्मी ने कहाँ चले गए पता नहीं है, कहाँ।
अच्छा लग रहा है अकेले अकेले ससुराल में मस्ती करना है। कहाँ चली गई है, इतना फ्लावर्स हुआ है इधर, उधर इतना सारा फ्लावर्स हुआ है, बाद में यहाँ पे ये फ्लावर्स, ये फ्लावर्स अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है एनवायरनमेंट। और आज तो मम्मी, मैं, पापा ने काम भी कर लिए है, अच्छा अच्छा। तो मैं मेरी ब्लॉग इधर ही खत्म करूँगी आज का ब्लॉग, क्योंकि रात का कुछ प्लान ही नहीं है आप लोगों के साथ शेयर करने का, ऐसे ही खाना खाएंगे बैठेंगे इतना ही, और कुछ प्लान नहीं है। और हुआ तो नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, और एक ब्लॉग इधर ही खत्म करती हूँ। तो फिर टाटा, टेक केयर, बाय बाय, और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।